हम लोग पढ़ेंगे डिग्री, क्या पढ़ेंगे लोग? डिग्री। और डिग्री में सबसे पहले जानेंगे कि कैसे कैसे चीज उसमें बदलाव होता है। डिग्री जैसे होता है, डिग्री का मतलब हद, चरण होता है, सीमा होता है। जैसे नहीं होता है कि हद से ज्यादा चरण सीमा पार हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना, तो उसका मतलब होता है डिग्री यानी हद होता है, चरण होते हैं और सीमा होता है। तो सबसे पहले डिग्री पढ़ेंगे तो हम लोग को वर्ड्स, इसके पहले जो हम लोग केस पढ़े थे उससे भी बहुत सारी चीज हम सीखे थे, जैसे ऑफ एस्ट्रोपिस कैसे लगाते हैं और ऑफ का प्रयोग कैसे करते हैं, ऑफ कहाँ पर लगाते हैं, एस्ट्रोपिस कहाँ पर लगाते हैं, इसके पहले हम लोग चीज सीखे थे। आज हम लोग सीखें डिग्री। और सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन आते हैं और आमतौर पर हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये करते हैं। इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं तो अपना जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें तो लगभग पूछे जाते हैं। तो ये हम जब डिग्री पढ़ेंगे तो हमारे बोर्ड रिलेटेड एग्जाम और कॉम्पिटेटिव रिलेटेड एग्जाम जितने भी होगा लगभग हम लोग सब फेस कर जाएंगे। तो सबसे पहले डिग्री में हम बात करते हैं कि डिग्री क्या होते हैं। तो डिग्री तो आप समझ गए, हद, चरण और सीमा, यहाँ पर और भी चीजें होते हैं। आप सबसे पहले देखिए डिग्री क्या, डिग्री इज द मेजरमेंट ऑफ ए क्वालिटी। सब लोगों को पता है क्वालिटी, हर चीज का क्वांटिटी और क्वालिटी होता है, हर चीज का क्वालिटी होता है और क्या होता है, क्वांटिटी होता है। एक क्वालिटी होता है, एक क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी और क्वालिटी के बहुत पहले हम लोग साइंस में चर्चा कर चुके हैं। तो वहां पर एक क्वालिटी होता है और एक क्या होता है, क्वांटिटी होता है। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे डिग्री इज ए मेजरमेंट, मेजर, मेजर जो होता है मेजरमेंट होता है, जिससे हम लोग मापते हैं, मापन होता है, मेजर मेजर समझते ना आप लोग। तो यहाँ पर क्या होता है, बोलेंगे डिग्री इज ए मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी, यानी हमारे जो मापन है, हमारे पास जो मेजरमेंट है उसका क्वालिटी बताता है। हमारे पास जो मेजरमेंट है उसे क्या बताता है, आपका क्वालिटी बताएगा। उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, हम लोग डिग्री कहेंगे। यानी हम सिंपल जानेंगे मेरे पास जो क्वालिटी है उसका क्या बताता है, मेजरमेंट का बताता है। यानी क्वालिटी जो मेरे पास है किसका बताता है, मेजरमेंट का बताता है। मेजर ऑफ क्वालिटी हम लोग बोल सकते हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी बोलेंगे। तो डिग्री का डिफिनेशन हम कैसे बोलेंगे, डिग्री इज, हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर देखिए सबसे पहले क्या बोलेंगे, डिग्री इज, यहां तक सबको बोलना आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ ए क्वालिटी। क्या बोलेंगे, बोलो मेजरमेंट ऑफ ए क्वालिटी, मेजर ऑफ ए क्वालिटी, क्या बोलेंगे, मेजर ऑफ ए क्वालिटी। तो डिग्री का लगभग समझ आ गया आपको। अब उसी में देखिए यहां पर, ए क्वालिटी कैन बी मेजर इनटू 3 डिग्री। क्वालिटी के अनुसार अगर बात किया जाए, क्वालिटी के अनुसार, तो डिग्री को 3 भागों में बांटा गया, लेकिन किसके, मेजर के अनुसार। देखिए यहां पर किसके अनुसार, मेजर। क्वालिटी कैन बी मेजर, यानी जो हमारे पास मेजर है, आप मेजर का मतलब समझ रहे हैं। अब देखिए इनटू 3 डिग्रीज, यानी क्वालिटी को लेते हैं, क्वालिटी के अनुसार, तो मेजर जो मेरे पास है उस पर 3 भागों में हमने क्या किया, डिग्री को बांटा हुआ है। यानी डिग्री कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। तो डिग्री कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। देखें क्वालिटी कैन बी मेजर इनटू डिग्री, यानी 3 डिग्री, कितने डिग्री आपका, 3 डिग्री होते हैं। तो कितने तरह से डिग्री होते हैं, 3 को डिग्री होते हैं। तो हमने सीखे कि आपका डिग्री क्या कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, हमने सीखे डिग्री किसे कहते हैं और डिग्री कितने प्रकार होते हैं। तो डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री इज ए, क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर ऑफ ए क्वालिटी। क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री इज ए मेजरमेंट बोलिए, मेजर ऑफ ए क्वालिटी बोलेंगे। और आपको बोलना है कि काइंड्स ऑफ डिग्री, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। कितने प्रकार के डिग्री होते हैं, 3 तरह से डिग्री होते हैं। तो कौन कौन से डिग्री होते हैं ये चीज हम सीखेंगे। तो नंबर एक में बात करते हैं, यहाँ पर देखिए नंबर एक में बात करते हैं तो मेरे पास पॉजिटिव डिग्री आता है। कौन सा डिग्री आता है, पॉजिटिव डिग्री आता है। दूसर का आता है आपका कंपेरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री आता है, कंपेरेटिव। तीसर का आता है सुपरलेटिव डिग्री। 3 तरह से मेरे पास डिग्री हो गया। एक आपको समझ में आ गया पॉजिटिव डिग्री, और दूसर का कौन सा हो गया आपका, कंपेरेटिव डिग्री। तीसरा कौन सा हो गया, सुपरलेटिव। एक हो गया आपके पास पॉजिटिव डिग्री, सबको लगभग समझ आ रहा है। दूसर का आपको हो जाता है कौन सा, कंपेरेटिव डिग्री। तीसरा कौन सा हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। लगभग समझ आ रहा है ना। डिग्री कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह से होता है। नंबर एक पॉजिटिव डिग्री, नंबर दो कंपेरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। अब 3 तरह से डिग्री होते हैं। अब तीनों का हम प्रयोग सीखेंगे और तीनों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं, जो मेरे पास पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, इफ ए क्वालिटी इज शो, सब क्वालिटी पर ही है, क्वालिटी अभी बताएं, इफ ए क्वालिटी शो सिंपल वे, कौन सा आपका है, सिंपल वे, जो पथ है वो सिंपल होना चाहिए, यानी सिंपल वे इसका पॉजिटिव डिग्री। जो आपके पास पथ है, यानी वर्ड जो आता है, जितना हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं उसमें वर्ड आता है, वो सिंपल वे में होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए। सिंपल कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर अगर ये वाक्य को लिखे हैं, जैसे राम इज ए स्मार्ट बॉय, हमने कुछ भी नहीं कहे, राम इज ए स्मार्ट बॉय, हमने सिंपल लिखे, इसमें कुछ भी हमने क्या किए, उसमें क्वालिटी को चेंज हमने नहीं किए, मतलब सिंपल वे में लिखे, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी हमने चेंजिंग वेंजिंग नहीं किए। तो राम इज ए स्मार्ट बॉय हम बोल सकते हैं, राम इज ए क्या बोल सकते हैं, स्मार्ट बॉय बोल सकते हैं। लेकिन आप लोग पता है राम इज ए स्मार्ट बॉय क्या होते हैं। अब देखिए उसी को लेकिन कंपेरेटिव डिग्री बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं इफ ए क्वालिटी मैक्स कंपेरिजन। अब कंपेरिजन करते हैं, अब क्या करते हैं, वो कंपेरिजन करते हैं, थोड़ा सा मिलाते हैं। अब उससे देखिए, अब उससे थोड़ा सा हम लोग कंपेरिजन करते हैं, कंपेरिजन इज कैप कंपेरेटिव डिग्री। अब कंपेरिजन करेंगे, थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे, तो देखिए आप क्या करेंगे, राम इज स्मार्टर देन श्याम। अगर बात करते हैं तो राम से यहां तो करेगी राम इज स्मार्टर देन श्याम,
यानी श्याम से तुलना किसका हो रहा है, राम की तुलना, राम की तुलना श्याम से हो रहा है। इसमें अगर स्मार्ट की बात करते हैं तो किससे तुलना हो रहा है, राम की किससे तुलना हो रहा है, श्याम से तुलना हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर ये देखिए स्मार्ट की जगह क्या हमने लगाए हैं, स्मार्टर, क्या लगाए हैं, स्मार्टर। अच्छा मेरा क्वालिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्वालिटी चेंज हुआ ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वालिटी चेंज हो गया, यानी किसमें चेंज हुआ इसमें, तो हमारे पास कंपेरेटिव डिग्री में होगा, किसमें हो गया आपका कंपेरेटिव डिग्री में क्वालिटी चेंज हो गया। देखिए मैक्स कंपेरिजन थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कितना, थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन उसी के जस्ट नीचे हम आएंगे तो कौन सा मेरे पास मिल जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री मिलेगा। अब इफ क्वालिटी कम्स इट्स हाइएस्ट, हो सकता है कि ज्यादा और कम भी, और लोएस्ट क्वालिटी। अब यहां पर हो सकता है कि आपको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा और लोएस्ट भी क्वालिटी मिल जाएगा। अब करे कि ज्यादा भी हाईएस्ट क्वालिटी मिलेगा और क्या हो जाएगा, लोएस्ट मिलेगा। तो मेरे पास जो क्वालिटी आएगा वो हाईएस्ट आएगा और लोएस्ट क्वांटिटी हो जाएगा कि मेरे पास जो ये क्वालिटी है वो हाई हो जाए और जो मेरे पास क्वांटिटी हो जाएगा हो जाए कम हो जाए। मेरे पास जो मेरे पास क्वालिटी है वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा और क्वांटिटी जो होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे आपका, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री कहेंगे, सुपरलेटिव। जैसे यहाँ पर देखिए राम इज ए स्मार्टर, यहाँ पर ना, तो यहाँ पर स्मार्टर की जगह हम क्या लगा दिए, स्मार्टेस्ट लगा दिए हमने, राम इज यहाँ पर है ना, आप तो क्या लगा दिया हमने, स्मार्टेस्ट लगा दिए। लेकिन ध्यान रखिए हम यही आपको जो पॉइंट थ्री बता रहे उसी में हम चर्चा करें, सिर्फ इसमें देखिए सिंपल में लिखिए स्मार्ट, हमने क्या लिखे, स्मार्ट। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखे, इसको स्मार्ट लिखे, हमने क्या लिखे इसको, स्मार्ट, स्मार्ट लिखे ना। अब इसमें हम लिखते हैं स्मार्ट, यहाँ पर लगा देंगे स्मार्टर, हो गया। और हमने यहाँ पर लगा दिए स्मार्टेस्ट, क्या लगा दिए हमने, स्मार्टेस्ट लगा दिए। समझ में आ गया, यहाँ पर देखिए तीनों तीन तरह से है ना, एक हो गया पॉजिटिव डिग्री, दूसरा का कौन सा हो गया, कंपेरेटिव डिग्री, और तीसरा का क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया। लेकिन आप यहां पर समझिए कि एक स्मार्ट है, सिंपल है, थोड़ा सा कंपेरिजन किए हैं तो स्मार्टर बन गया आपका, और ये कंपेरिजन करने के बाद हाईएस्ट क्वालिटी जो मेरे पास होगा, यहां पर देखिए क्वालिटी, क्वालिटी यदि क्वालिटी मेरा हाईएस्ट हो, क्वालिटी क्या हो, हाईएस्ट हो, और क्वांटिटी क्या हो जाएगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगा, लोएस्ट हो जाए, माने तरह से कम हो जाए, तब हम क्या कहेंगे उसको, सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। तो यहां पर हमने आपको एग्जांपल बताया, राम इज द स्मार्टेस्ट बॉय, क्या हो जाएगा आपका, राम इज ए स्मार्टेस्ट। अब देखिए हमने ईएसटी लगाए, क्या लगाए यहाँ पर, ईएसटी लगा दिए, और इसमें क्या लगा दिया हमने, ईयर लगा दिया, हमने इसमें क्या लगा दिए, ईयर लगाए, और ये सिंपल वाक है, क्या है आपका, सिंपल वाक है। आप इसको देखेंगे समझेंगे तो लगभग जनरल आपको रूल से समझ में आ जाएगा, तीन तरह से तो समझ में आ गया, एक तो नॉर्मल वाक होते हैं, नॉर्मल पॉजिटिव हो जाते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कंपेरिजन करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कंपेरेटिव बोलेंगे। लेकिन अगर मेरे पास क्वालिटी हाईएस्ट हो और क्वांटिटी लोएस्ट हो तब क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सुपरलेटिव डिग्री बोलेंगे। तीन तरह समझ गए, लेकिन अब इससे समझेंगे इसका रूल जो होता है, जनरली ए पॉजिटिव फॉर्म, अब आपके पास जो पॉजिटिव फॉर्म होगा ठीक है, बिकम्स कंपेरेटिव एडिंग। अगर आप कंपेरेटिव डिग्री बना रहे, कंपेरेटिव बना रहे तो एडिंग, एड करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, एड, एड क्या करेंगे, ईआर। अगर आप वाक में, जैसे आपके पास पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव से ही हम कंपेरेटिव बनाएंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव आपका सिंपल रहेगा, वाक पॉजिटिव तो सिंपल रहेगा, तो पॉजिटिव डिग्री से हम कंपेरेटिव बनाएंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे। हम चाहेंगे तो पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाएंगे और क्या बनाएंगे, सुपरलेटिव बनाएंगे। तो देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर, तो कंपेरेटिव बनाते समय हम ऐड करेंगे, यानी एडिंग करेंगे, उसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ईआर जोड़ेंगे। तो जब ईआर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा उसके बाद, कंपेरेटिव। और सुपरलेटिव में क्या जोड़ेंगे, तो ईएसटी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे इसमें, ईएसटी। कहां जोड़ेंगे हम लोग, आफ्टर इटसेल्फ, बाद में, पहले नहीं, क्या करेंगे, बाद में जोड़ेंगे। कौन सी बाद में, जो मेरे पास वर्ड होगा पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होगा उसके लास्ट में जोड़ेंगे, कहां जोड़ेंगे, लास्ट में जोड़ेंगे। जैसे यहां पर देखिए स्मार्ट मेरे पास सिंपल है ना, स्मार्ट मेरे पास सिंपल है, तो स्मार्ट ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये कौन सा डिग्री हो गया, पॉजिटिव, हमने इसमें क्या जोड़े बोलिए तुम, तो स्मार्टर हो गया ना, स्मार्टर। इसका मतलब कि कौन सा डिग्री हो गया, कंपेरेटिव होगा, कंपेरिजन कर दिए। और इसमें क्या जोड़े, ईएसटी जोड़े, स्मार्टेस्ट, हमने क्या जोड़े, ईएसटी जोड़े, तो क्या बन जाएगा आपका, सुपरलेटिव डिग्री आपका बन जाएगा। तो आपको ये नोट आपको हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव फॉर्म से हम लोग पॉजिटिव से क्या करेंगे, अगर हम कंपेरेटिव बना रहे हैं तो कंपेरेटिव डिग्री बनाते समय हम क्या ऐड करेंगे बताइए, ईयर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कंपेरेटिव डिग्री होगा। और उसमें अगर हम लगा देंगे क्या चीज, ईएसटी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव बनेगा। बाद में वाक जो होगा, वर्ड होगा यानी पॉजिटिव का, उसके अंत में लगाएंगे इटसेल्फ, आफ्टर, यहाँ पर इसलिए लिख दिए। आप नोट लिखिए, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कंपेरेटिव बनाने के बाद देन जोड़ा जाता है, कंपेरेटिव बनाने के बाद क्या करेंगे, और सुपरलेटिव बनाने के पहले क्या करते हैं, द लगाते हैं पहले, बाद में नहीं, क्या करते हैं पहले। यहाँ पर देखिए पहले क्या लगाते हैं, द, यानी द जोड़ा जाता है। आप इसको पॉइंट को याद रखिएगा, कंपेरेटिव बनाने के बाद हम क्या करते हैं, देन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं हम लोग, देन।
और सुपरलेटिव बनाते समय हम क्या करते हैं, उसके पहले द लगाते हैं, उसके पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, समझा गया ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। किससे बनाते हैं, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। एग्जाम्पल एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं आपको लगभग समझ में आ जाएगा। एलो एन जी, हमने एक एग्जाम्पल लिया आपका लॉन्ग ले लिए, लॉन्ग मतलब सबको समझ में आता है। यहां पर हमने लॉन्ग ले लिए, एक मेरे पास हो गया लॉन्ग, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा ये आपका पॉजिटिव डिग्री। अब इसका पॉजिटिव डिग्री से हमको बनाना है क्या चीज, कंपैरेटिव डिग्री, क्या बनाना है हमको, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री जब हम बना रहे हैं तो बोले यहां पर क्या करेंगे, अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय क्या करेंगे हम लोग, ईआर जोड़ेंगे, तो लॉन्ग में क्या जोड़ देंगे, एल ओ एन जी ई आर, क्या हो जाएगा ये लॉन्गर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका लॉन्गर हो जाएगा। और यहां पर जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, ईएसटी जोड़ेंगे, लेकिन अभी बताएं कंपैरेटिव बनाने के बाद देन जोड़ा जाता है, तो लॉन्गर देन करेंगे, क्या करेंगे इसको लॉन्गर देन करेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लॉन्गर देन करेंगे। अगर यहां पर हम लोग सुपरलेटिव बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम लोग, सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं, तो सुपरलेटिव में क्या जोड़ेंगे बोलिए, तो हम लोग ईएसटी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे ईएसटी, तो क्या लिखेंगे लॉन्गेस्ट, क्या जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर ईएसटी, लॉन्गेस्ट हो जाएगा। अच्छा इसमें भी आपको रूल लिखवा है कि अगर हमारे पास सुपरलेटिव यहाँ पर बन रहा है तो उसके पहले क्या लिखेंगे, द लगाएंगे, तो यहाँ पर द क्या करेंगे, द लॉन्गेस्ट हो जाएगा। अरे समझ में आप लोग को, अब इसी स्मार्ट को आप लिखेगा, जैसे इसमें यहाँ पर लिख दें स्मार्ट, क्या लिख दें हमने स्मार्ट, तो यहाँ पर क्या करेंगे बोले, तो यहाँ पर क्या कर देंगे स्मार्टर देन, क्या करेंगे स्मार्टर देन, यहाँ पर क्या करेंगे द स्मार्टेस्ट। अरे समझ रहे आप लोगों, तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय लगभग सीख लिए। तो कंपैरेटिव बनाते समय क्या जोड़ेंगे, ईआर जोड़ेंगे, और उसके बाद में या पहले जोड़ेंगे, बाद में जोड़ेंगे, और कंपैरेटिव बनाते समय बाद में दैनो रहेगा, क्लियर है। और आपका जब इसमें हम सुपरलेटिव बना रहे हैं तो उसमें क्या जोड़ेंगे हम बाद में ईएसटी, लेकिन उसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। लगभग समझ में आ गया, बोले डाउट है किसी को, अभी हम लोग सीखे हैं कि देन लगाएंगे और द लगाएंगे, तो देन कब लगाएंगे और द कब लगाएंगे, ये चीज हम लोग सीख लेते हैं, देन कब लगाएंगे और द कब लगाएंगे, ये चीज हम लोग सीख लेते हैं कि अगर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय क्या करेंगे हम लोग, देन लगाएंगे, कब लगाएंगे, पहले लगाएंगे बाद में लगाएंगे, बाद में, और द लगाएंगे सुपरलेटिव में, पहले की बाद में लगाएंगे, पहले लगाएंगे, ये चीज हम लोग अभी सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे यहाँ पर इसका जितने रूल होता है, 10 से 11 रूल है, और सारे रूल अगर समझ में जाते हैं तो हमारे सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री बनाना कहीं पे भी गलत नहीं होगा। हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो कहीं पर भी गलत नहीं होगा जब हम इसको रूल को जानेंगे। तो देखिए नंबर एक रूल क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले एक आपको आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, सारे वर्ड आते हैं, सारे जितने सारे वर्ड आते हैं वो सब पॉजिटिव फॉर्म में ऑलरेडी रहता है, जैसे गुड हो गया, ग्रे हो गया, ये सब चीजें ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव फॉर्म है उसका एंडिंग विथ ई से होना चाहिए, एंडिंग विथ मतलब जिसे वो वर्ड खत्म हो रहा है, जैसे वर्ड का जैसे अक्षर होता है उसमें, वर्ड में जब अक्षर होता है ए बी सी डी, जैसे आपको ग्रे हो गया, गुड हो गया, तो जी डबल ओ डी, तो लास्ट में डी आर है ना, तो एंडिंग विथ ई क्या होना चाहिए, ई। अगर आपके पास वर्ड आएगा और वो पॉजिटिव फॉर्म रहेगा, अगर वर्ड के अंत में क्या आना चाहिए आपका, ई, एंडिंग विथ ई, यहाँ पर ध्यान दिया आपका पॉजिटिव फॉर्म में एंडिंग विथ क्या होना चाहिए, ई, ई से खत्म होना चाहिए। नहीं जैसे होता है ना हम लोग लगभग खेलते हैं वर्ड गेम ही खेलते हैं, तो उसमें बताते हैं वर्ड गेम है कि जैसे हम लोग वर्ड बताएं, वर्ड के अंतिम वाले जो अक्षर आता है उसी से सामने वालों को बोलना पड़ता है, ऐसे ना वर्ड गेम खेलते हैं, सेम उसी तरीका से इसमें देखिए, जब एंडिंग विथ ई क्या जैसे खत्म होना चाहिए, ई, लास्ट में जब ई रहेगा तो समझिए यहाँ पर बिकम्स कंपैरेटिव बनाते समय हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, आर, क्या ऐड करेंगे हम लोग, और सुपरलेटिव बनाते समय हम क्या ऐड करेंगे, एसटी ऐड करेंगे, क्लियर हो गया। यहाँ पर कब करेंगे, जब वर्ड में एंडिंग में माने समाप्ति में क्या रहना चाहिए, ई रहना चाहिए, तब हम क्या करेंगे सुपरलेटिव बनाते समय, और कंपैरेटिव बनाते समय क्या करेंगे, तो कंपैरेटिव बनाते समय आर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव बनाते समय एसटी। इसको आप पॉइंट याद रखिएगा, कब, जब लास्ट में ई रहे, यानी एंडिंग विथ पॉजिटिव फॉर्म में अगर आपके पास जो वर्ड आता है उसके लास्ट में क्या रहे, ई, एंडिंग खत्म के समय में ई रहेगा, तब। तो ये हम लोग अभी सीख रहे पूरे रूल सीखेंगे, ओ रहेगा, वाई रहेगा, सब सीखेंगे, पहले ई वाला सीखेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करें, आपका देखिए देन रहेगा जो, और द रहेगा वो अपना पूर्व स्थान पर रहेगा। हम लोग देन कब लगाते हैं, द कब लगाते हैं, ये हमको पता है, पता है ना हम लोग को, तो देन और द हमेशा पूर्व स्थान पर रहेगा, जो जहां पर रहता है वही पर रहेगा, सिर्फ हम लोग वर्ड में जो पॉजिटिव डिग्री उसमें हम लोग चेंज करेंगे। अच्छा लार्ज हो गया, लार्ज पॉजिटिव फॉर्म है ना, ठीक है। अब हमको कंपैरेटिव बनाना है, तो कंपैरेटिव बनाते समय देखिए ई है कि नहीं, इसमें लास्ट में ई है ना, तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कंपैरेटिव बनाते समय, एल ए आर जी तो लिखवे करेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे बोले तो, लार्जर हो जाएगा,
यानी हमने इसमें बनाते समय क्या जोड़ दिया, आर। अच्छा कंपैरेटिव में ये इसमें से द या देन कौन लेगा, ये अपने स्थान पर रहेगा, इसके कंपैरेटिव में देन होता है तो लार्जर देन देन रहेगा, उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सब जितने आपके पास ये हम लोग पॉजिटिव फॉर्म पढ़ रहे हैं उसको कंपैरेटिव नहीं है सुपरलेटिव नहीं है, वो अपने स्थान पर रहेगा, सिर्फ वाक्य में जो चेंजिंग हो रही वही चेंजिंग होगा। अच्छा सुपरलेटिव बनाते समय हम लार्ज को यहाँ पर लिखेंगे, एल ए आर जी लिखेंगे ना यहाँ पर। अच्छा इसमें क्या जोड़ेंगे सुपरलेटिव बनाते समय, एस टी जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या जोड़ दिए, और द लगेगा बाद में या पहले में, तो यहाँ पर द रहेगा, द क्या हो जाएगा आपका लार्जेस्ट। आगे सोच में तो ये चीज हमने वाक को सीख ले, अब ये वाक आप खुद से बना सकते हैं, फाइन है तो बोलिए यहाँ पर क्या लिखे, फाइनर देन, यहाँ पर लिख देंगे फाइनर देन। अच्छा इसमें ई है तो आर लगा दिए ना, अब इसमें द लिखेंगे पहले और एफ आई एन ई क्या लिखेंगे बोले तो एस टी, देखिए तो द फाइनेस्ट हो गया, क्लियर आ रहा है समझ में ना, बहुत अच्छा समझ में आप लोग आता होगा, क्योंकि हम सीख रहे हैं अगर लास्ट में एंडिंग विद पॉजिटिव फॉर्म के लास्ट में क्या रहे, ई रहे, तो हम कंपैरेटिव बनाते समय क्या करेंगे और सुपरलेटिव बनाते समय क्या करें, ये लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा थोड़ा सा रूल देख लेते हैं, रूल नंबर दो की बात कर लेते हैं। अच्छा दो नंबर रूल की बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए मेरे पास पॉजिटिव फॉर्म में एंडिंग विथ वाई से, ई तो खत्म हो चुका है, अब मेरे पास वाई से हो, जैसे स्काई वे ग्रेप इसे वाई से अगर एंडिंग हो, मेरे पास जो वर्ड आएगा पॉजिटिव फॉर्म में लास्ट में एंडिंग क्या चाहिए, एंडिंग विथ, खत्म क्या जैसे होना चाहिए वाई से, अगर वाई से होता है और ए भावेल कम्स और उसके पहले एक भावेल रहता है, ध्यान रखिए पॉइंट को, वाई से खत्म होगा लेकिन उसके पहले क्या रहेगा, वो भावेल, भावेल पांच ए ई आई ओ यू इसमें से कोई ना कोई रहेगा उसके, जैसे वाई है जैसे ग्रे जी आर ए वाई ग्रे, वाई है ना लास्ट में, उसके पहले देखिए ई क्या है भावेल आपका, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास उसके पहले भावेल हो, पहले भावेल सीखेंगे और उसके पहले कंसोनेंट भी रहेगा, जरूरी नहीं कि वजह से स्काई लिखते हैं एस के वाई स्काई, वाई के पहले एस तो कंसोनेंट हो गया लेकिन फिर भी भावेल वाला सीख रहे हैं, कौन सा सीख रहे हैं भावेल वाला, तो एंडिंग विथ वाई यानी आपके जब वर्ड खत्म हो रहे तो उसके लास्ट में क्या होगा वाई रहेगा और उसके पहले क्या रहेगा एगो भावेल रहेगा, क्या रहेगा आपका भावेल, तब हम क्या करेंगे वाई बिकम्स, यहाँ पर देखिए द वाई बिकम कंपैरेटिव बनाते समय ऐड करेंगे ईआर, कंपैरेटिव बनाते समय क्या करेंगे ईआर, और सुपरलेटिव बनाते समय क्या करेंगे ईएसटी, और जो हमने सीखे दैन तथा दो अपने पूर्व स्थान पर रहेगा वो चीज चेंज हम लोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सीखे कि अगर एंडिंग विथ वाई रहेगा और उसके पहले क्या रहेगा एगो बिफोर, यहाँ पर देखिए भावेल्स कम्स बिफोर, उसके पहले वाई के पहले क्या रहेगा एक भावेल, ए ई आई ओ यू में से पांचों में से कोई ना कोई रहेगा, बस पांचे को समझ आ रहा ना, उसमें से अगर कोई भी रहे तब हम क्या करेंगे कंपैरेटिव बनाते समय क्या करेंगे क्या जोड़ेंगे बोले तो एडिंग ई आर जोड़ेंगे, सुपरलेटिव बनाते समय क्या जोड़ेंगे, तो देखिये मेरे पास ग्रे है ना, मेरे पास क्या है आपका ग्रे, अब हम इसमें ग्रे को अब बनाएंगे कंपैरेटिव बनाते हैं, तो लिखेंगे जी आर ई वाई लिख देना यहाँ पर, बोले क्या लगाए यहाँ पर ईयर लगा देंगे और देन अपने स्थान पर रहेगा, आ इसमें पहले हो जाएगा द और इसमें हमने क्या कर देंगे जी आर ई ए वाई क्या जोड़ देंगे इसमें एस टी जोड़ देंगे, डाउट है किसी को, अब इसी तरह से गे का भी बना सकते हैं आप, गे भी बनाएगा तो जी ए वाई और इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे ईयर जोड़ देंगे, ठीक है, और क्या लगा देंगे यहाँ पर देन, इसमें लगा देंगे द और जी ए वाई है और ई एस टी हमने यहाँ पर जोड़ दिए, डर देने किसी को, तो अगर आपके पास एंडिंग विथ वाई यानी आपका जो वर्ड है वाई पर जाके खत्म हो रहा है लास्ट में क्या होना चाहिए वाई और उसके पहले क्या होना चाहिए भावेल, पॉइंट अब याद रखिए उसके पहले क्या होना चाहिए भावेल, ए ई आई ओ यू यही होता है भावेल, इसका अलावा तो भावेल नहीं है, ए ई आई ओ यू में से कौन है, जैसे ए आ जाए आना तो आपका ई आ जाए ओ आ जाए यू आ जाए ना आपका है, तो ए ई आई ओ यू में से अगर कोई भी अगर वाई के पहले होता है तब हम क्या लगाएंगे कंपैरेटिव बनाते समय क्या करेंगे और सुपरलेटिव बनाते समय और देन द का प्रयोग जैसे रहता वैसे ही रहेगा, हर वाक्य में सही रहेगा, ठीक है, एक थोड़ा सा और देखते हैं, एक आपके पास पॉजिटिव फॉर्म है एंडिंग विथ वाई, अगर मान लीजिए फिर आपका वाई से ही खत्म हो रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में फिर आपका वाई से ही खत्म हो रहा है लेकिन वो कंसोनेंट होगा उसके पहले, वाई के पहले क्या होगा बिफोर कंसोनेंट, अब आपके पास मान लीजिए कि वाई है और वाई के पहले क्या होता है कंसोनेंट, कंसोनेंट ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सब कंसोनेंट होते हैं, ठीक है, और उसमें सेमी भावेल हम लोग तो पढ़ चुके हैं, सेमी भावेल भावेल्स और आपका कंसोनेंट, तो अगर आपके पास वाई है और वाई के पहले कंसोनेंट होना चाहिए, क्लियर हो गया ना, वाई के पहले भावेल था तो हम समझे क्या लगेगा लेकिन वाई रहेगा लास्ट में क्या रहेगा आपका वाई, जैसे स्काई हो गया और उसके पहले क्या रहेगा कंसोनेंट रहेगा, तब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर देखिए, तब हम बिकम्स कंपैरेटिव रिप्लेसिंग, उसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस का मतलब क्या होता है हटाना,
रिप्लेस मतलब बदलना, हटाना, तो यहाँ पर रिप्लेस करें, बदलेंगे, क्या करेंगे, रिप्लेसिंग वाई बाई आई आर। देखिए यहाँ पर वाई को वाई बाइक मतलब के द्वारा, अब वाई को हटा देंगे और उसके द्वारा क्या करेंगे, उसके ऊपर आई आर लगा देंगे। ध्यान रखिए आप लोग, अगर ये वाई है और वाई के पहले क्या है, कंसोनेंट, वाई के पहले भवेल तो सीख चुके थे, लेकिन वाई के पहले क्या है, कंसोनेंट, तो वाई को रिप्लेस करेंगे, हटा देंगे और उसके जगह पर क्या लगाएंगे, आई आर, और सुपरलेटिव बनाते समय उसको भी वाई हटा देंगे और क्या लगाएंगे, आई एस टी लगा देंगे। क्लियर है यहाँ पर? जैसे देखिए यहाँ पर अब आपके पास आता है, जैसे यहाँ पर देखिए दैन और द अपने स्थान पर रहेगा, यहाँ पर देखिए है भी, अच्छा भी कंसोनेंट है ना, तो यहाँ पर लगा देंगे है भी, एच ए भी, एच ई ए भी, वाई है ना यहाँ पर वाई, हमने वाई को नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे हम लोग वाई को नहीं लिखेंगे, इसको रिप्लेस करना, तो इसके बदले क्या लिखेंगे, आई ई आर, और देन जो लगता है हाई बियर देन लगा देंगे, ठीक है। और इसमें द लगता है ना, ये तो पता है आपको, अब इसी वाक्य को लिखेंगे एच ई ए भी, वाई होता है तो वाई तो नहीं लिखेंगे, अब इसके बदले में क्या लिखेंगे, आई ई एस टी, द हैवीएस्ट, डाउट है किसी को? अब इसी को लेजी लिखते हैं, एल ए जेड, वाई तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई ई आर, और क्या लिख देंगे यहाँ पर, देन, डाउट है किसी को? इसमें लगा देंगे द लगा देंगे और एल ए जेड, वाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई ई एस टी। अब इसको तो आप बना सकते हैं, बीजी को बीजी बना सकते ना, आप इसको बीजी बना लीजिए, देख लीजिए बना के आप लोग, बन रहे कि नहीं, बन जाएगा ना सबका, बिजियर देन हो जाएगा और द बिजेस्ट हो जाएगा, डाउट है किसी को? ये सबसे आसान है, हमने सीखे कि मेरे पास अगर भवेल रहेगा वाई के पहले और वाई के पहले कंसोनेंट रहेगा तब हम दोनों में से अलग अलग चेंज करेंगे। समझ आ गया आप लोगों को? बहुत इजी है, और एक तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग आई आर और एस टी कब लगाएंगे। कलम खा जी बका एकदम कलम तो लोग पहले कहा था कलम चबाता है, तो पढ़ता नहीं है, कलम चबाएगा, अब कलम तो ऐसी करब में से निकली आ टूट टट जाए, फिर जाए घर के रोए लगभग हमारा कलम नहीं है, स्कूल ना जाए, कलम चबा तर तुम तो कलम चबा तर खा जब का कलम है, खाना खा क्या लोग ना, अब तो स्कूल में खिचड़ी बना तो आपका दिक्कत बा, तो दवाई खा लो पनिया से, हाई स्कूल में ना बन रहा है, मिडिल स्कूल में बन रहे ना, हाई स्कूल वाला मिडिल स्कूल में आके खा ली लो, फिर पर चल जाइए, खिचड़ी खाए खाते केहू ना मना करी, क्या है कहिएगा लो, भूख लगे तो क्या करेंगे, जा खा लीजिएगा लो। रूल नंबर चार में हम सीखेंगे यहाँ पर, ए पॉजिटिव फॉर्म दैट इज वेरी स्मॉल इन द शेप गेट्स, आपके पास जो वर्ड आएगा वो बहुत स्मॉल छोटा रहेगा, छोटे छोटे वाक्य के लिए, बड़े बड़े वाक्य के लिए तो हम सीखे रहे, लेकिन छोटे छोटे अगर वाक्य आएगा, छोटे छोटे आपके पास वर्ड आ जाता है, अगर मान लीजिए कि सेंटेंस बात नहीं, वर्ड की बात कर रहे हैं, तो छोटे छोटे अगर आपके पास वर्ड आता है, ठीक, कोई भी शब्द अगर आपको छोटा होगा, ये आपको वेरी स्मॉल होगा, मैंने वेरी स्मॉल मतलब सबसे छोटा, शेप भी होगा, शेप का मतलब आकार होता है, शेप वाला होगा, गेट्स एंडिंग विथ ए कंसोनेंट, इसका मतलब उसका जो छोटे छोटे चीज होगा, छोटे छोटे वर्ड होगा, तो छोटे छोटे वेरी स्मॉल मतलब बहुत छोटा, अगर छोटे छोटे आपके पास वर्ड आ रहा है, आ वर्ड के एंडिंग विथ कंसोनेंट होना चाहिए, एंडिंग क्या चीज होना चाहिए, कंसोनेंट, छोटा वर्ड होगा लेकिन उसका एंडिंग लास्ट में जब खत्म होगा तो क्या चीज से खत्म होना चाहिए, कंसोनेंट, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी अगर लास्ट में वर्ड आता है तब हम क्या करेंगे, एंडिंग किससे होना चाहिए, कंसोनेंट से होना चाहिए। अब उसमें भी लेटर देते स्ट्रेस, हो सकता है वैसा स्ट्रेस हो जिसमें तनाव हो, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, जैसे आपके पास उसमें स्ट्रेस आ जाए और उसका प्रोनाउंसेस जो होगा, जो प्रोनाउंसेस करेंगे मैक्स डबल, अब उसको जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग डबल वर्ड्स लगा, डबल लेटर लगा देंगे, इस लास्ट लेटर डबल करेंगे, लास्ट वाला जो लेटर होगा क्या करेंगे हम लोग डबल करेंगे। अब देखिए इसके बाद ही फोर्थ चेंजिंग कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव, कंपैरेटिव का जैसा रूल होता है, ईआर लगाते हैं, ईएसटी लगाते हैं वो लगाएंगे, डैल लगाते हैं द लगाते हैं वो सब चीज लगाएंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे उसको डबल, जो वर्ड होगा लास्ट में अगर कंसोनेंट आता है कब, जब वेरी स्मॉल छोटा वर्ड आएगा तब, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देन और दो अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे, क्लियर है ना, यहाँ पर मेरे पास बिग है, मेरे पास क्या है वर्ड बिग, अच्छा यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग बिगर, क्या कर देंगे, अच्छा यहाँ पर जो वर्ड है ये कंसोनेंट की भावल है तो छोटा है, बिग समझ ना, छोटे बड़े के यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, तो वर्ड जो है छोटा है, वर्ड जो है छोटा है, शेप का भी अपना आकार देगा उसको भी वर्ड लेंगे हम लोग, ये बिग क्या हो गया आपका, देख रहे, तो अब ये बिग जो जी है ये कंसोनेंट है कि भवेल है, इसलिए हम इसको डबल कर देंगे, बिगर लगा देंगे ना, लेकिन हम लोग द और देन लगाएंगे, बिगर देन लगाएंगे,
ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिगेस्ट, क्या लिखेंगे, बी आई डबल जी कर देंगे, और क्या कर देंगे यहाँ पर, बिगेस्ट, तो क्या लगेंगे इसके पहले, द बिगेस्ट, क्लियर हो गया। आप तो ये थिन बना सकते हैं, क्या बनेगा, थिनर, टी एच आई डबल एन, एन है ना, तो डबल एन ईयर लगा देंगे, क्या करेंगे, थिनर, देन द क्या हो जाएगा, टी एच आई डबल एन ई एच टी, फैट हो गया, तो क्या करेंगे, एफ ए डबल टी ई आर, फैटर देन द फैटेस्ट, अरे समझ ना, तो छोटे छोटे वाक अगर आएगा, स्मॉल शेप, ये सब चीजें आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, लास्ट में जो आपके पास वर्ड जो बच रहा है, अक्षर बच रहा है, उस पर क्या करेंगे, मतलब उसको डबल कर देंगे, ई आर एस टी लगाते हैं, देन द लगाते हैं, जहां पर रहेगा वह अपने पूर्व स्थान पर रह गया। एक और देखें यहां पर, ए पॉजिटिव फॉर्म हैविंग मोस्ट देन टू सिलेबल, आपके पास दो को सिलेबल आएगा, तो उसमें चेंज करेंगे, अगर डिग्री हम जब चेंज करेंगे, तो हमको हेल्प क्या करना है, मोर और मोस्ट लेना है, हमें क्या वहां पर लेना है, मोर और मोस्ट। अगर मान लीजिए कि आपके पास दो को सिलेबल वाला आ जाएगा, जैसे यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव फॉर्म के पहले मोर जोड़ने से कंपरेटिव बजाय, अगर पॉजिटिव है, अगर आपके पास उसमें क्या जोड़ दीजिएगा, मोर, तो क्या बन जाएगा वो, कंपरेटिव डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अगर मोस्ट जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा वो, तो इंटेलिजेंट है यहां पर, इंटेलिजेंट में बोलिए तो क्या जोड़े, सुपरलेटिव में, कंपरेटिव में क्या जोड़े, कंपरेटिव में, कंपरेटिव में क्या जोड़े, देखिए यहां पर अगर मोर जोड़े तो क्या बन रहा है यहां पर, कंपरेटिव, अब मोस्ट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो इसमें क्या जोड़ेगा बोलिए तो, मोर लगा देंगे, तो जब मोर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए यहां पर पॉजिटिव फॉर्म के पहले मोर जोड़ने पर कंपरेटिव बनता है, पहले तो मेरे पास मोर लगा देंगे, मोर क्या करेंगे, इंटेलिजेंट, बोलिए समझ आ रहा है ना, और यहां पर क्या लगा देंगे, मोर लग गया ना यहां पर, मोर इंटेलिजेंट, अच्छा इसके बाद कुछ लगता है कि नहीं लगता है, क्या लगता है, देन लगता है, तो देन लगाएंगे, अब इसके पहले सुपरलेटिव में द लगता है, इंटेलिजेंट है, तो क्या करेंगे, मोस्ट लगाएंगे, और क्या कर देंगे, इंटेलिजेंट लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हैंडसम है, तो हैंडसम जब हम लिखेंगे यहाँ पर हैंडसम, हैंडसम, तो इसके पहले क्या लगाएंगे बोले तो, मोर हैंडसम, क्या कर देंगे यहाँ पर, मोर हैंडसम, और इसके बाद क्या लगाते हैं, मोर हैंडसम देन, और यहाँ पर क्या लगाते हैं, द, द मोस्ट हो जाएगा ना, मोस्ट हैंडसम, क्लियर है ना आप लोगों को, यहाँ पर आपका ब्यूटीफुल होगा तो क्या लगाएंगे बोले तो, मोर ब्यूटीफुल देन द ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, इस पर आप क्या करेंगे, स्टूपिड बोलते ना, बार बार स्टूपिड बोलते हैं, तो क्या लगाएंगे, मोर स्टूपिड देन द, क्या बोल देंगे, द मोस्ट स्टूपिड, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब उसी तरह देखिए, राइट तथा रॉन्ग एक सिलेबल होने वाले बावजूद भी अपने डिग्री को मोर तथा मोस्ट के तहत बनाते हैं, तो राइट है यहाँ पर, तो हम राइट को क्या करेंगे बोले तो, मोर लगाएंगे, क्या करेंगे, मोर राइट, आर आई जी एस टी, मोर राइट, इसका क्या करेंगे लास्ट में, देन का, मोर राइट देन हो जाएगा, इसमें क्या लगाएंगे बोले तो, द मोस्ट राइट, इसके बाद रॉन्ग है तो क्या करेंगे बोले तो, मोर रॉन्ग लगाएंगे ना, और उसके लास्ट में क्या लगता है, देन, इसमें सुपरलेटिव में क्या लगता है, द, इसके बाद क्या करें, मोस्ट रॉन्ग, आगे समझ में, बहुत आसान है कि नहीं आसान है, बहुत आसान है, इसको छाप लीजिए आप लोग।